सिंधिया सांसद जितेंद्र सिंधिया भोपाल पहुंच चुके हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं कि काफिला उनका रवाना हो चुका है और बड़ी संख्या में उनके समर्थक यहां पहुंचे हैं। और जिसमें अगर हम बात करें तो मंत्री तुलसी सिलावट हैं, मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया हैं, मंत्री अन्य मंत्री जो हैं वो भी यहां पहुंचे हैं और आप उनका काफिला देख सकते हैं। यहां से निकले हैं वो, बीजेपी दफ्तर जाएंगे, विष्णुदत्त शर्मा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके निवास पर वो जाएंगे, निवास पर उनके भोजन होगा और उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनकी मुलाकात होगी। कई मायनों में ज्योतिराय सिंधिया का ये जो दौरा है बेहद महत्वपूर्ण है। एक दिन सिंधिया जी के भोपाल आने से एक दिन पहले बीजेपी ने कार्य समिति की सूची जारी की है और इस कार्य समिति की सूची में बीजेपी ने जो सिंधिया समर्थक हैं जो बीजेपी का हिस्सा हो चुके हैं उनको समुचित स्थान दिया है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। अब इसके हम अगर आगे हम एक कयास लगाएं तो ये कह सकते हैं कि निगम मंडलों में नियुक्ति एक बड़ा इसमें फैसला हो सक्ता है, आज अंतिम मोहर लग सकती है, क्योंकि संगठन के प्रमुख विष्णुदत्त शर्मा और सुहास भगत जो संगठन मंत्री उनसे मुलाकात होगी सिंधिया जी की, उसके बाद मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री के साथ उनकी लंबी चर्चा होगी। तो इसका ये मायने निकाले जा सकते हैं कि ज्योतिराय सिंधिया निगम मंडलों में जो नियुक्ति है उस पर चर्चा कर सकते हैं मुख्यमंत्री से। इसके अलावा अन्य जो गतिविधियां हैं जो संगठनात्मक हो सकती हैं या सरकार से जुड़ी हो सकती हैं या ग्वालियर चंबल क्षेत्र के विकास से जुड़ी हो सकती हैं इस पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा ज्योतिराय सिंधिया गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, गोपाल भार्गव PWD मिनिस्टर हैं, इन दोनों के घर भी जाएंगे। जैसा आप देख सकते हैं तो इन दोनों के घर जाएंगे तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि विकास की एक जो बात है वो उनसे चर्चा हो सकती है, क्योंकि नगरीय प्रशासन मंत्री जो हैं भूपेंद्र सिंह उनसे बातचीत होगी कि क्षेत्र में विकास को लेकर, और PWD मिनिस्टर गोपाल भार्गव से भी उनके यहाँ रात्रि भोजन है तो वहाँ चर्चा हो सकती है। चंबल एक्सप्रेस वे जो बन रहा है उसकी गति क्या है, काम की स्थिति क्या है, इसको लेकर भी बातचीत हो सकती है। तो निश्चित रूप से बेहद महत्वपूर्ण दौरा हम इसको कह सकते हैं ज्योतिराय सिंधिया का आज भोपाल का जो है। जी बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण दौरा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का, और ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब वो सेट हैंगर पर पहुंचे थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और बड़ी संख्या में उनके समर्थक आपको दिखाई देंगे। जैसे ही सूचना मिली सभी बड़ी संख्या में जो समर्थक है वो पहुंचे अपने नेता के स्वागत के लिए और फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। हालांकि थोड़ा सा ध्यान रखना था कोविड गाइडलाइंस का, बड़ी संख्या में समर्थक पहुंच गए लेकिन प्रिय नेता पहुंचे हैं। और आपको एक बार फिर से जानकारी दे दें कि बीजेपी के सीनियर नेताओं से आज मुलाकात की जाएगी। जो दौरा है बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, थोड़ी ही देर में वीडी शर्मा और सुहास भगत से मुलाकात करेंगे, उनके साथ लंच का भी कार्यक्रम है। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी सांसद सिंधिया मुलाकात करेंगे। तो सीनियर नेताओं से मुलाकात करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं भी इस मुलाकात के दौरान हो सकती हैं। आगे बढ़ते आपको बता दें कि पूर्व सीएम कमलनाथ गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि फीवर की शिकायत थी जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महत्वपूर्ण खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पूर्व सीएम कमलनाथ पीसीसी चीफ कमलनाथ गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती है। फीवर की शिकायत के बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है जहां यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, जहां कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद आज बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी दफ्तर में जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामेंगे। लंबे समय से पार्टी से वो नाराज चल रहे हैं और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे। तो यूपी चुनाव से पहले एक बड़ा झटका कांग्रेस को। तो आपको बता दें कि जितिन प्रसाद यूपी के शाहजहांपुर से ताल्लुक रखते हैं। जितिन प्रसाद 2001 में यूथ कांग्रेस के सचिव बने और 2004 में पहली बार शाहजहांपुर से 14वीं लोकसभा चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की थी। तो कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग सकता है। यूपी के कद्दावर नेता है, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जितिन प्रसाद आज बीजेपी में शामिल होंगे।